सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दर्द का तेल बनाने की विधि शेयर कर रही हूं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी तरह के दर्द से परेशान है। किसी को कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स पेन है, ज्वाइंट पेन है, या सर्वाइकल का पेन है, या गठिया का दर्द है, या चोट वगैरह लग जाने के कारण कहीं पे दर्द हो रहा। किसी भी तरह के दर्द से आप परेशान हैं तो आप इस तेल से मालिश ज़रूर करिए, आपको बहुत ही जल्द राहत मिल जाएगा। दोस्तों, इस तेल को कैसे यूज़ करना है मैं ये भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस तेल को हम ठंड में तो बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इस तेल का यूज़ कैसे करें ये भी बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं इस दर्द वाले तेल को बनाना कैसे है और इसे यूज़ कैसे करना है। इस तेल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। इस तेल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होता है, जो कि जोड़ों के दर्द या किसी भी तरह के दर्द में इसका उपयोग करने से फ़ायदा होता है। इसके साथ ही ये शरीर में सूजन को भी कम करता है। इसके बाद मैंने लिया है 4 कपूर की टिकिया। ये पूजा वाली कपूर है जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, कपूर में एंटी अर्थराइटिक, एंटी रूमेटिक और एंटी फ्लोजेस्टिक गुण मौजूद होता है। इसी कारण से जब हम कपूर वाले तेल से मालिश करते हैं दर्द वाली जगह पे, तो ये दर्द में राहत पहुंचाता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है 10 से 12 लौंग। लौंग का यूज़ अक्सर हम घर में मसाले में करते हैं या काढ़ा वगैरह बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, लौंग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि मसल्स को मजबूती प्रदान करता है और दर्द में राहत पहुंचाता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। इसके साथ ही इसमें कैरोटीन और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि जोड़ों में होने वाली सूजन को भी कम करता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है 6 लहसुन की कलियाँ। आप लहसुन का छिलका हटा लें। दोस्तों, लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है, जिसके कारण ये कमर दर्द या जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। लहसुन में एलेसिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो कि एक पेन किलर के रूप में काम करता है। इसीलिए रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को चबाकर खाइए और फिर हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे आपको दर्द में राहत मिलेगा। इसके बाद मैंने यूज किया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को छील ले, इसे अच्छे तरीके से धो करके पोंछ करके आपको लेना है। दोस्तों, सर्दी खांसी होने पे अदरक का यूज़ अक्सर हम काढ़ा बनाने के लिए करते हैं, लेकिन अदरक ज्वाइंट पेन और मसल्स पेन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अदरक में जिंजरोल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि जोड़ों के दर्द और मसल्स दर्द को कम करता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 छोटा सा एलोवेरा का लीफ। दोस्तों, एलोवेरा को अच्छे तरीके से धो करके पोंछ करके लेना है, और जब आप इसे कट करेंगे तो काटने के बाद आप इसे थोड़ी देर खड़ा करके छोड़ दें, ताकि इसका सारा येलो वाला पार्ट निकल जाए। फिर आपको इसे तेल बनाने के लिए यूज़ करना है। दोस्तों, एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, बालों के साथ साथ ये ज्वाइंट पेन को भी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है और दर्द में राहत पहुँचाता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। दोस्तों, दालचीनी भी ज्वाइंट पेन और मसल्स पेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम दालचीनी से बने हुए तेल से मालिश करते हैं तो ये भी दर्द को कम करता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच क्रश की हुई हल्दी। आप यहाँ पे कच्ची हल्दी को क्रश करके ले सकते हैं, या फिर जो साबुत सूखी हल्दी होती है उसे भी आप तोड़ करके ले सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही ये ज्वाइंट पेन और शरीर में स्वेलिंग को भी कम करता है। इसके बाद मैंने लिया है 150 ग्राम सरसों का तेल। आप सरसों के तेल के जगह पे इसे तिल के तेल में भी बना सकते हैं। तो हम लहसुन, अदरक और एलोवेरा जेल, इन सभी को काट लेंगे। एलोवेरा जेल को काटने से पहले इसके साइड वाले जो इसका कॉर्नर होता है उसे कट करके हटा दें, क्योंकि उसमें कांटा होता है। इसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, ताकि इसका जो जेल होगा वो आसानी से तेल में आ जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो चलिए अब हम तेल को बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक गैस पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे। तेल को बनाने के लिए आप एक मोटे तले की कढ़ाई का ही यूज़ करिए, ताकि आपका तेल जले नहीं। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। पूरा तेल हम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे एलोवेरा के लीव
इसे मैंने काट करके रखा था। और इसे डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके पीसेस बड़े बड़े हैं तो इसको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखना है। तो अब इसमें हम अदरक को डाल देंगे और फिर इसमें लहसुन को भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और इसके बाद इसमें हम दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। फिर इसमें हल्दी जो मैंने क्रश करके रखा था, अगर आप यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो अभी आपको हल्दी पाउडर नहीं डालना है, नहीं तो आपका हल्दी पाउडर जल जाएगा, तो वो आप बाद में डालें। इसके बाद इसमें लौंग को डाल देंगे और फिर इसमें अजवाइन और मेथी दाना को भी डाल देंगे। अब इन सभी को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ मैंने यूज़ किया है इसमें वो सारा साबुत है, और लहसुन अदरक ये सभी भी बड़े बड़े पीसेस में है, और अगर आप इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे तो वो तेल में जल जाएगा। तो जब आपका तेल आधा से अधिक पक जाएगा तब आप उसमें हल्दी पाउडर यूज़ करें। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते थे यहाँ पे दरदरा था मेरा, कच्ची हल्दी था वो जिसे मैंने सुखाने के लिए रखा था, तो उसका मैंने यूज़ किया है। इस तेल को हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि सारी चीज़ अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा पक चुका है, इसे हम थोड़ी देर अभी और पकाएंगे। ध्यान रखना है किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है, बस इस सारे चीज़ों का जो भी अर्क है वो तेल में आ जाना चाहिए। तो इसे लगातार चलाते हुए आप पकाएं और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन लो फ्लेम पे ही आप इस तेल को बनाएं। तो ये देखिए सारे चीज़ का कलर चेंज हो चुका है और ये जले बिल्कुल नहीं है। हमें जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को, बस इन सारे चीज़ों का अर्क तेल में आ जाना चाहिए। तो इस तेल को पकाते हुए हमें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तेल को पकाया है। तो बस अब हम गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तेल को हम गैस से हटा करके नीचे रख देंगे, क्योंकि गैस गर्म होता है तो तेल जल सकता है। तो ये देखिए तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है और अब देख सकते हैं कि सारा चीज़ हमारा कितना अच्छे से पका है। तो अब हम तेल को छान लेंगे। तेल को छानने के बाद जब तेल हल्का सा गुनगुना है तब हम इसमें डालेंगे कपूर को। मैंने कपूर का यूज़ पहले नहीं किया था क्योंकि हम कपूर को बाद में डालेंगे। आप देखते हैं कि जब हम घर वगैरह में पूजा करते वक्त कपूर को जलाते हैं तो कितना जल्दी ये हवा में उड़ जाता है, तो इसलिए मैंने कपूर का यूज़ पहले नहीं किया था। तेल बनने के बाद ही आप इसमें कपूर को डालें ताकि लंबे समय तक कपूर का असर इस तेल में रहे। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तेल हल्का सा गुनगुना रहे तो आप इसमें कपूर को क्रश करके डाल दीजिए। जब तेल हल्का गर्म रहेगा तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। अब इस तेल को हम स्टोर करेंगे। इसके लिए आप एक शीशे के जार का यूज़ करिए ताकि तेल लंबे समय तक खराब ना हो। आपका जार अच्छी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दोस्तों इस तेल को छानने के बाद जो हिस्सा बच जाता है आप चाहे तो उसे हटा सकते हैं क्योंकि उसका सारा तेल में आ चुका है, या फिर जिसमें आप तेल को छान करके रख रहे हैं या तो फिर आप उसी में से थोड़ा सा डाल सकते हैं आप। लेकिन जब भी आपको तेल लगाना होगा तो फिर आपको इस तेल को छान करके यूज़ करना होगा। तो जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे इस तेल को रख सकते हैं। तो जब भी आपको मसाज करना हो तो एक छोटे से कटोरी में जितना आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा तेल निकालेंगे और इस तेल को हम डबल बॉयलर की मदद से, मैं यहाँ पे तवा पे रख के गर्म कर रही हूँ, स्टील का बर्तन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शीशा का हो तो आप इसे डबल बॉयलर की मदद से ही गर्म करें। तो ये गर्म हो चुका है तो मैं इसे हटा लेती हूँ। इस तेल से अब हम मसाज करेंगे। तो तेल जब हल्का गुनगुना रहे तभी आप इस तेल से मसाज करें। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही जल जाए। तो जब तेल हल्का गर्म हो तो हल्के गर्म तेल से जहाँ पे भी आपको दर्द है उस जगह पे आपको हल्के हाथों से मसाज करना है। 5 से 7 मिनट आप मसाज करिए। मसाज करने पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारा तेल आपके स्किन में अच्छे तरीके से अब्जर्व हो जाएगा। दोस्तों मसाज करने के बाद इस जगह को आप ऐसे बिल्कुल ना छोड़े, आप उस जगह पे किसी पुराने कपड़े से उसे लपेट दीजिए ताकि उस जगह को गर्माहट मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तेल का असर वहाँ पर हो सके। इससे 2 फायदा होगा, एक तो उस जगह को गर्माहट मिलेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि इस तेल को बनाते वक्त मैंने इसमें हल्दी का यूज़ किया था
इससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। ठंड के दिनों में तो आप इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप इसे पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आपको वहाँ पे दाना निकलने लगे, तो आपको क्या करना है कि आधे से एक घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें, और आधे से एक घंटे होने के बाद आप उस कपड़े को खोले और उस जगह को हल्के गुनगुने पानी से पोंछ ले। याद रखें, हल्के गुनगुने पानी से ही पोंछना है आपको, क्योंकि जब आप उस जगह को ढकेंगे और तेल से मसाज करेंगे तो वहाँ पे आपको गर्माहट फील होगी। तो अचानक से आप उस जगह को ठंडे पानी से ना धो, हल्का गुनगुने पानी से आप उस जगह को पोंछ ले। ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको दिन में 2 बार ज़रूर करना है। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपको दर्द से राहत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस तेल को ज़रूर बनाइए। इस तेल को बनाकर आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये तेल ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको मेरा ये दर्द का तेल बनाने की विधि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।